थ्योरेटिकल व्यूज ऑन द स्टेट हम ए uh, स्टूडेंट जानते हैं कि स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी मकसद अपने लोगों के हकूक का ख्याल रखना और उसके लिए स्टेट के पास डिफरेंट अथॉरिटीज भी हैं जिनको वो एक्सरसाइज करती है विद द हेल्प ऑफ सम इंस्टीट्यूशनस एंड ऑर्गेनाइजेशन सो देर आर सम्योरेटिकल बेस ऑफ स्टेट that various philosophers various thinkers they have divided the concept of state into their own perspective so some important theoretical views they can be categorized as the pluralist view elite views class based views and the updated marxist views so when we talk about pluralism so the pluralist view

उसके फंक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं और उसके जो फंक्शंस हैं वो किस बेस पर होते हैं कि उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन किस्म के इंस्टीट्यूशनस जो हैं वो चलाते हैं और फिर उसमें जो एक्सचेंज है सोशल ग्रुप्स का गवर्नमेंट का वो चलता रहता है लेकिन जो प्रोरिस्ट व्यू है ये बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपोज करते हैं लेकिन इनका ये ख्याल है दैट स्टेट्स आर इम पार्शल एट्रीब्यूटर्स अमंग डिफरेंट कॉम्पिटि कम्पिटिंग प्रेसर ग्रुप्स लेकिन जो क्लोरिस्ट हैं वो किस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं वो ये कहते हैं कि जो स्टेट है ये बाकी प्रेशर ग्रुप्स के मुकाबले में इसका स्टेटस बहुत डिफरेंट है और इसकी अहमियत जो है वो आज भी इतनी ज़्यादा है कि बाकी वो लोग जो स्टेट के कंपेरिजन में इसके फंक्शंस के मुकाबले में दूसरी चीज़ों का अहमियत देते हैं वो मुनासिब बात नहीं करते तो लेकिन इस मॉडल के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर, की जाती है कि हर ग्रुप का भी तो अपना इंटरेस्ट होगा ये उसको इग्नोर करते हैं फिर डेफिनेटली जो लैक ऑफ सफिशेंट पावर रिसोर्स हैं कि हर स्टेट के जो जो रिसोर्स हैं वो इतने नहीं होते कि वो हर तरीके से प्रॉपरली खुद ही फंक्शन कर सके उसकी डिपेंडेंसी दूसरों पर भी होती है फिर डेफिनेटली लैक ऑफ वायबल पॉलिटिकल चैनल्स कि अगर पॉलिटिकल चैनल्स अप्रोप्रिएट नहीं होंगे तो खुद एक स्टेट जो है वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगी अब इनके मुकाबले में एक और पर्सपेक्टिव जो है दैट इज़ ऑफ एलिट व्यूज़ ऑफ स्टेट This perspective अबाउट the स्टेट mainly focuses ऑन the organizational बेस ऑफ एलिट एंड their कंट्रोल ऑफ द स्टेट अब इनका ये ख्याल है कि जो मैटर करते हैं वो एलीट हैं क्योंकि डामली स्टेट के अंदर दो एलिमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है एक वो जो मैसेज हैं जो लार्जर होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले एलिट जो हैं उनका नंबर लेसर होता है वो कम होते हैं लेकिन वो ज़्यादा इंफ्लुन्शल होते हैं तो इस स्कूल ऑफ थाट का ये ख्याल है कि असल में बात यह है कि अलीट किसी भी स्टेट को कैसे कंट्रोल करते हैं इनके नज़दीक जो है फंक्शन ऑफ स्टेट इज़ टू मेंटेन द डोमिनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एलीट इनका ये ख्याल है कि जितना स्टेट प्रॉपरली एलीट को मेंटेन करेगी यानी अपने एलीट को ऐसी अपरचुनिटीज प्रोवाइड करेगी कि वो काम कर सके उतनी ही ज़्यादा स्टेट जो है वो इफेक्टिव होगी और स्टेट की परफॉर्मेंस जो है वो भी इंफ्लुनशल होगी सो so, uh, इसमें जो डिफरेंट जो एलीट स्कूल ऑफ थाट है फर्दर बात करते हैं क्लासिकल एलीट थेरी की पावर एलीट थेरी की और फिर क्लास डोमिनेशन थेरी है कि हर सोसाइटी के अंदर हर स्टेट के अंदर क्लास जो है कोई ना कोई ऐसी होती है जो बाकियों को डोमिनेट कर जाती है सो so, जो क्लास बेस्ड व्यूज ऑफ स्टेट हैं इनका ये ख्याल है दे हैव द दर्स्पेक्टिव दैट द क्लास बेस्ड थियरी इज रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेशन ऑफ द स्टेट एंड इट्स पावर कि जो स्टेट है उसके पास एक पर्टिकुलर पावर है उस पावर को उसने एक्सरसाइज करना है विद द हेल्प ऑफ दोज दोज हैव स्पीरियर दैन द अदर्स सो दे हैव देअर ओन परस्पेक्टिव एंड स्पेसिफिकली इसमें जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थाट है इनका ये ख्याल है कि जो इकनॉमिक स्टेटस है वो डिटर्मन करता है दैट हु इज़ मोर पावरफुल देन द कैपिटलिस्ट स्टेट्स डेफिनेटली उनके हाथों तो जो रिसोर्सफुल है वो ही डोमिनेट कर देगा कर जाएगा पॉलिसी मेकिंग को अंदर सो अंडर कैपिटलिज्म द स्टेट इज कंट्रोल बाय एंड एक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ओइंग क्लास अब क्लास वो इम्पॉर्टेंट है जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो डोमिनेट करेगी बाकियों को और उनकी मर्जी से पॉलिसी मेकिंग जो है वो होगी सो एज द प्रोडक्ट ऑफ इकनॉमिक फोर्सेज एंड पेयर कैपिटलिस्ट क्लास कंट्रोल्स एंड डोमिनेटेड तो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है समाइम्स वो स्टेट को वीकन कर देता है तो जो थ्योरेटिकल व्यू के अंदर क्लास बेस जो जब हम बात को समझना चाहते हैं या फिलोसफी को तो हमें ये समझना है कि जहाँ जिस माशरे के अंदर क्लास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी डिवाइडेड हो जाएगी सोसाइटी वहाँ फिर इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से समटाइम स्टेट के लिए चैलेंजेस भी राइज करते हैं लेकिन इसमें बहुत सारे आगे व्यूज हैं इंस्ट्रूमेंटल हैं स्ट्रक्चरल हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है एम्पेरिकल मार्क्सिज्म है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है पोस्ट कलोनियन मार्क्सिस्ट हैं और फिर क्रिटिकल थेरी ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट है तो वेरियस स्कूल ऑफ थाट हैं जो अपने अपने माइनर डिफरेंसेस के साथ इस डिबेट को लेकर आगे चलते हैं फिर स्टेट सेंट्रिक व्यूज़ हैं लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये सारी डिबेट जो हैं ये एक तरफ असल में जो मामला है वो ये है कि स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट और स्टेट को मैनेज करने के लिए स्टेट के मामलों को चलाने के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो मैक्स वेबर को ज़्यादा इम्पॉटेंस देते हैं उनका ये ख्याल है कि मैक्स वेबर ने जो मॉडल दिया रन द अफेयर विद द हेल्प ऑफ द ब्यूरोसी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्यूरोसी के अंदर एक्सपर्ट्स आएंगे पढ़े लिखे लोग आएंगे और फिर वो पॉलिटिकल मीडिएशन के थ्रू मामला को जो है वो रन कर सकेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी डिबेट्स जो है वो वेरियस टाइम्स के ऊपर पोलिटिकल सोशोलॉजिट के अंदर चलती रही कुछ ने न्यू मार्क्सिस्ट प्रस्पेक्टिव के बारे में बात की कि ये जो प्रस्पेक्टिव है इनका इन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट और अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी या क्लास बेस्ड सोसाइटी दोनों को ही अगर अपने लोगों का वो ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सिलसिला जो है स्टेट कॉन्शियसनेस के बारे में ये आ, जो है वो आ, अपनी अहमियत कोता चला जाएगा जिसकी वजह से फिर एक डिबेट आई ब्रिंगिंग द स्टेट बैक बुक थी लिखी गई और फिर इस बुक के आने से एक नई थेरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल थेरी के नाम से राइज की इंस्टीट्यूशनल थेरी का फोकस क्या है कि स्टेट इम्पॉर्टेंट है इसके इंस्टीट्यूशनस इम्पॉर्टेंट हैं और इंस्टीट्यूशनस के थ्रू ही स्टेट की वर्किंग पर फोकस करके हम स्टेट को दोबारा से रिवाइव भी कर सकते हैं और इसको अलाइव भी रख सकते हैं